हमारे ही क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति जो विधानसभा इलेक्शन के लिए जो खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होता है। हम लगातार उस समय से ही मतलब पार्टी के साथ जुड़े हुए, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और समाज सेवी के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ ही डॉक्टर शैली ओबराय जी जो उस टाइम पे अपना स्टूडेंट थी और उस टाइम पे पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने मौका दिया तो वो हर किसी को चाहता है कि अगर किसी से गलती भी हो जाए तो एक मौका जरूर देना चाहिए, और वो मौका उनको दिया और जनता ने इतना प्यार दिया। बिल्कुल, वो राजकुमार आनंद को वोट नहीं किया। अगर वीनानंद जी यहाँ से जीती थी तो वीनानंद जी अपने दम पे नहीं जीती थी, उनको चेहरा था अरविंद केजरीवाल जी चेहरा था। बिल्कुल, जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया। आज भी दिल्ली की पूरी जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है, वो उनको अपना बेटा मानती है, अपना भाई मानती है। जो भी समस्याएं हैं वो जनता के बीच में जाकर के खुद चेक कर रहे हैं, किसी की बातें में ना आए, जमीनी स्तर पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी सीट पे आपने देखा ही है, पूरा नेपाली मंदिर, अपना गायत्री कॉलोनी, पंजाबी बस्ती और जितना गुलशन चौक वगैरह का जो एरिया आज भी ड्राई है, बिल्कुल वहां पे आज भी पानी की बिल्कुल टैंकर से। और पहले सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ये मौका देते हैं कि अगर मुझे वो इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाते हैं जी, और ये जनता अगर मुझे चुनती है तो मैं ये क्षेत्र के अंदर में ये वादा कर रहा हूँ, जो समस्या है खुद जनता से डायरेक्ट मिलूंगा, मैं ऑफिस में कम बैठूंगा और जनता के बीच में जाकर के उनके घरों को अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। लगातार आप लोगों को हमने अपने विधानसभा की पूरी वो वीडियो लगातार आप लोगों को दिखाई, लेकिन वहीं पर अगर बात करी जाए पटेल नगर विधानसभा के अंदर में इस समय का माहौल क्या है, अगर माहौल की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है और वहीं पर एमसीडी की भी सरकार है, लेकिन आगामी जो विधानसभा का जो चुनाव है वो आप लोगों के पास में और वो नजदीक जो है वो चुनाव इस समय पहुंच चुका है। आने वाले तकरीबन में 2 से 3 महीने के अंदर में विधानसभा का जो चुनाव है वो दिल्ली के अंदर में घोषित भी हो जाएगा और चुनाव भी होगा। वहीं पर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है अपने अपने विधानसभाओं के अंदर में, लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि अगर हमारे ही विधानसभा के अंदर में हमारे ही क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति जो विधानसभा इलेक्शन के लिए जो खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होता है। हमारा मेन कर्तव्य यही रहता है कि हम वोट किसको दें। सबसे बड़ा हमारे अंदर में एक जनता जो है वो इस चीज के लिए सोचती है कि आखिर में हमें वोट किसको देना चाहिए। अगर हम वोट देने की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह रहती है कि हमारी समस्याओं को कौन खत्म कर सकता है, और अगर हम किसी समस्या के बारे में अगर बात करें तो वो समस्याएं अगर हम अपने विधायक के पास या यूं कहूं कि अपने प्रतिनिधि के पास अगर लेकर के जाते हैं, क्या वो हमारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं या हमारी समस्याओं को जो है उसका निवारण कर पाएंगे। बहुत बड़ी एक समस्या होती है, लोग जो होते हैं, जनता जो होती है वो विधायक तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन आपके ही क्षेत्र से उठ करके, आपके ही क्षेत्र से निकल करके एक ऐसा युवा नेता जो आम आदमी पार्टी के अंदर में विधायक के लिए जो इस समय आप लोगों के बीच में विधानसभा इलेक्शन के लिए जो आम आदमी पार्टी से दावेदार है, वो कहते भी हैं कि हम जब आएंगे तो काम करेंगे और काम करवाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच के अंदर में आम आदमी पार्टी के वो शख्स, वो युवा नेता जिनके साथ में आज पूरा बलजीत नगर का एक एक युवा जो है वो जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि इनको बुजुर्गों का जो है वो आशीर्वाद भी यहाँ पर इनको मिल रहा है। लगातार जो महिलाओं का जो प्यार मिला है, उसके बाद में जो युवा नेता है उन लोगों का भी बड़ा प्यार मिला, और पूरी जो जनता है वो उनके साथ में जुड़ी है। हमारे साथ में हमारे हॉट सीट पर बैठे हुए अशोक कंसल जी हैं, और आप लोगों ने इनको देखा भी होगा हमारे वीडियो के माध्यम से भी, और क्षेत्र के अंदर में लगातार इन्होंने प्रयास करा है, आम आदमी पार्टी में रह करके काम भी किया है और काम करवाया है, चाहे वो निगम के द्वारा हो, चाहे वो विधानसभा के द्वारा, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, चाहे यूं कहूं कि हमारे जो डॉक्टर शैली ओबराय जी जो कि 86 नंबर वार्ड से जो है वो मेयर थी, और अभी जो है मेयर जो कल के दिन में जो है वो कोई और बन चुके हैं दिल्ली सरकार के अंदर, लेकिन हमारे साथ में विधानसभा के अंदर में जो कि विधानसभा का आगामी चुनाव है, हमारे साथ में अशोक कंसल जी, और एक बारी हम लोग इनसे जुड़ेंगे कि आप अगर विधायक बनते हैं तो हमारे जो बलजीत नगर की जनता या पटेल नगर विधानसभा के अंदर में जो लोग आपके साथ में है, और हमारे पटेल नगर का विकास किस तरीके से होगा और कैसे वो सक्षम रहेंगे और करवाने के लिए किस तरीके का ये आगे प्रयास करेंगे। हमारे साथ में अशोक कंसल जी है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मेरा एक सवाल होगा कि आप विधायक के लिए आप जो है वो दावेदार हैं और आने वाला आगामी जो है विधानसभा का चुनाव है उसके अंदर में आप अगर विधायक बनते हैं और क्षेत्र से आप हैं
तो जनता का किस तरीके से समाधान होगा, डायरेक्ट आपके पास आएंगे या आपके जो वर्कर होंगे उनके पास जाना चाहिए उनको? सर देखिए, मैं एक आम आदमी पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं जी। जब से पार्टी बनी है, बल्कि पार्टी बनने से पहले जब से आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था आंदोलन, हम पूरी दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से उस आंदोलन को समर्थन किया था जी, और बल्कि दिल्ली की जनता ने पूरे देश ने उस आंदोलन को समर्थन किया था जी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि रामलीला ग्राउंड में जिस तरीके से क्राउड आ रहा था, तो एक आंदोलन जो अभी तक जो जितनी सरकारें चल रही थी उस सारे कार्यकाल एक तरफ था, और वो आंदोलन एक तरह बड़ा आंदोलन बन गया था जिसके अंदर से बहुत सारे लोग उभर करके नए नेता आए थे। बिल्कुल ठीक है, उसी टाइम पे ये पार्टी जैसे माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जनता से राय लेकर के, जनता से सलाह लेकर के ये पार्टी बनाई गई थी। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमें जन लोकपाल चाहिए, उसके लिए तो कई पुराने जो नेता थे जैसे सिब्बल जी ने बोला था कि अगर आपको लगता है कि आपको जन लोकपाल चाहिए तो आप पार्टी बनाइए और अपनी अपनी सरकार बनाइए और अपना लोकपाल खुद बनाइए। ठीक है, ये चीजें उस समय ये तय हो गई सारी चीजें। बिल्कुल, तो उसी के पक्ष में जनता की बात मानते हुए माननीय अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम द्वारा पार्टी आम आदमी पार्टी का गठन हुआ 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर जी। तो हम लगातार उस समय से ही मतलब पार्टी के साथ जुड़े हुए, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और समाज सेवी के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, और हमें माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे मौके दिए हैं कि जिसमें कार्यकर्ता के रूप में काम करने के साथ साथ पदाधिकारी भी, कभी वार्ड अध्यक्ष के रूप में, कभी वार्ड के संगठन मंत्री के रूप में, कभी विधानसभा संगठन मंत्री के रूप में, या फिर अगर आप दिल्ली से बाहर भी कर देखें तो मुझे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ भी भेजा, जिसके अंदर एक साल तक मैंने लगातार काम किया। और छत्तीसगढ़ में जब मैं घूमा तो वहां मैंने देखा कि अभी तक भी, हमें तो 75 साल से ज्यादा हो गए आजादी को, और अभी तक भी कितने ही ऐसे गांव थे जहां पे अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, मतलब कहीं ना कहीं वो पिछड़ा हुआ है अभी भी। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश था जहां पे कोयले की बड़ी बड़ी खदानें निकलती हैं, कोयले का इतना बड़ा मतलब ईंधन निकलता है, और उसके बावजूद में छत्तीसगढ़ बिजली निर्माता है, बिजली बनाता है। अदर मतलब वहां पे जब मैं गया तो मुझे पता चला कि वहां से पाकिस्तान में भी बिजली की सप्लाई होती है, और वहां जाकर के देखा कि वहां के कई ऐसे गांव है जहां पे आज तक बिजली पहुंच नहीं पाई है। बड़े आश्चर्य की बात है। तो ऐसे ऐसे मतलब जब पार्टी ने देखा तो हमें पूरा मतलब कई जगह पे घूमने का मौका मिला। इसी तरीके से हम उत्तराखंड में भी पार्टी के द्वारा भेजे गए प्रचार के लिए, हम पार्टी के प्रचार में गए और डोईवाला विधानसभा हमें मिली थी, और उसमें भी हमने क्षेत्र के काफी मतलब वहां के जो मुद्दे थे उनको देखा कि क्या क्या वहां पे विकास होने चाहिए। बिल्कुल, तो वो वहां पे हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, सिर्फ सर्वे ही हम बिल्कुल सर्वे कर सकते थे आप। लेकिन पटेल नगर विधानसभा की अगर बात करें तो पटेल नगर विधानसभा में हमारे जितने साथी हैं जो हमारे साथ उस टाइम से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी, उन साथियों में से आज हमारे एक बहुत ही कर्मठ साथी पटेल नगर के श्री अंकुश नारंग जी जी, जो आज आप देख रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं, निगम पार्षद भी चुने गए हैं। ठीक है, वो भी हमारे साथ मतलब उस टाइम पे कार्यकर्ता के तौर पे काम करते थे और आज इतने मजबूत आवाज उठाते हैं। ठीक है, हमारे साथ ही डॉक्टर शैली ओबराय जी जो उस टाइम पे सिर्फ अपना स्टूडेंट थी और उस टाइम पे पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने मौका दिया तो वो निगम पार्षद, जनता ने उनको निगम पार्षद बनाया, और फिर उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको महापौर बनने का मौका दिया, और 2 साल का कार्यकाल उनका कल खत्म हुआ। बिल्कुल, तो इलेक्शन डेट थोड़ा सा डिले हुआ। ठीक है, उसके चक्कर में आज आपको पार्टी के जो महज अपना खिची जी है वो हमारे साथ में वार्ड अध्यक्ष, हम एक साथ होते थे जी, कि वो अपने मतलब वहां वार्ड के अध्यक्ष होते थे, हम अपने वार्ड के अध्यक्ष, तो लगातार हमारे साथ में कई आंदोलनों के अंदर साथ में दिए, पार्टी के कई प्रोटेस्टों में हम साथ रहे हैं। तो आज देखो उनको महापौर की जिम्मेदारियां मिली है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है कि कोई भी कार्यकर्ता कहां पहुंच जाएगा कोई पता नहीं। बिल्कुल, तो हम भी अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। और पटेल नगर विधानसभा के अंदर जो बात मैं आपको करने जा रहा हूं जी, कि जैसे मेरे पास बलजीत नगर का जो क्षेत्र है, ठीक है जी, स्टार्टिंग में जब पहले जो विधायक थे वो थोड़ा सा इनएक्टिव रही थी मीनाणा जी, इसलिए उनका टिकट भी काट दिया गया था। बिल्कुल, उस टाइम पे बहुत सारे काम, क्योंकि वो 4 दिन की सरकार थी तो जो काम करना चाह रहे थे आम आदमी पार्टी, चलिए जैसे आपने मीनाणा जी की बात करी कि उनकी टिकट काट दी गई थी, लेकिन उन्हीं के हस्बैंड को जो है वो फ्री टिकट दे दी गई, ऐसा क्यों? ये पार्टी का मतलब जैसे मीनाणा जी जिस तरीके से मतलब उनका जो बोलचाल का ढंग रिपोर्ट दी और मेरे क्षेत्र के अंदर, तो उस समय पे ये मतलब लग रहा था कि
जो राजकुमार आनंद जी वो समाज से भी टाइप के उन्होंने अपने आपको प्रेजेंट किया हुआ था और समाज के लिए वो काफी कुछ करने के बोले ऐसी बातें उन्होंने बहुत सारी बोली थी। तो एक मौका अरविंद केजरीवाल जी का बड़ा सॉफ्ट नेचर है तो वो हर किसी को चाहते हैं कि अगर किसी से गलती भी हो जाए तो एक मौका जरूर देना चाहिए और वो मौका उनको दिया और जनता ने इतना प्यार दिया, जनता ने उस चीज को स्वीकारा क्योंकि जनता अरविंद केजरीवाल जी को वोट करती है वो राजकुमार आनंद को वोट नहीं किया। अगर वीनानंद जी यहाँ से जीती थी तो वीनानंद जी अपने दम पे नहीं जीती थी, उनको अरविंद केजरीवाल जी चेहरा था, जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट किया था क्योंकि वही वीनानंद जी जब पार्टी छोड़ करके चुनाव लड़ी तो 1051 वोट मिला था उनको। हजारीलाल चौहान जी को जनता ने प्यार दिया, वो हजारीलाल चौहान जी का वोट नहीं था, वो अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी का। राजकुमार आनंद जी को दोबारा से जीता वो अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे। आज भी दिल्ली की पूरी जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है, वो उनको अपना बेटा मानती है, अपना भाई मानती है और अरविंद केजरीवाल जी का जो प्यार है वो बना हुआ है लगातार दिल्ली में और पूरी जनता चौथी बार उनको मंत्री दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि क्षेत्र में कैसे काम होगा क्या होगा, हमने कार्यकर्ता के तौर पर जब भी जैसे मैं बना स्टार्टिंग में मुझे 2015 के अंदर पहले मैंने पद नहीं लिया था पहले वाले ड्रम में, दोबारा जब मुझे सचिव का पद मिला वार्ड सचिव के अंदर नगर का तो उस टाइम पे हजारीलाल चौहान जी एमएलए बन चुके थे जी। तो उस क्षेत्र में मतलब उस टाइम पे जो हमने क्षेत्र में देखा जो हमारा नेचर था कि मेरा जो मानना है कि जिस चीज को लेकर के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े थे अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के अंदर और मतलब उनकी जो नीतियों को लेकर के पार्टी से जुड़े थे कि क्षेत्र में काम होना चाहिए, मेरा जो नेचर है जो मैं अपना नेचर आपको बता रहा हूँ हर किसी का अलग अलग होता है, मेरा ये है कि आप जो भी समस्याएं हैं वो जनता के बीच में जाकर के खुद चेक करें, किसी की बातें में ना आए, जमीनी स्तर पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी सीट पे बैठा हुआ चाहे वो विधायक है चाहे वो पार्षद है चाहे वो सांसद है कोई भी है आपको जमीन में जाकर के खुद भी सर्वे करना चाहिए, बिल्कुल मेरा ये मानना है। चलिए मैं देख आपकी बात को थोड़ा सा मैं रोकूंगा, अभी तक जब लोग हम लोग भी कई बार रिपोर्टिंग करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि भाई हमारा विधायक जो है या हमारा काउंसलर है वो हमारे पास में नहीं पहुंचते हैं, तो आखिर में क्यों नहीं पहुंचते हैं, तो आखिर में जब तक नेता जनता के साथ में नहीं उतरेंगे जमीनी स्तर पर तब तक उनको भी नहीं पता लगेगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर में विकास क्या क्या करवाना है। तो उम्मीद है अब आपको जनता से कि आप जो है वो क्षेत्र के अंदर में जमीनी स्तर पे उतर के काम करेंगे अपने पटेल नगर विधानसभा के लिए, तो किस तरीके से अब अपना आगे का जो कार्यकाल होगा उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जब मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ अभी भी मैं कार्यकर्ता ही हूँ और अगर मुझे विधायक पद मिल जाएगा तभी मैं कार्यकर्ता ही रहूंगा। ये सीट जो होती है आती जाती रहती है, ये पद आते जाते रहते हैं लेकिन कार्यकर्ता हमेशा रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी भी आज कार्यकर्ता है पार्टी के लिए। बिल्कुल। तो जैसे बलजीत नगर में मुझे जिम्मेदारी हजारीलाल चौहान जी के द्वारा मिली थी तो मेरे क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, बलजीत नगर में आप मतलब खुद भी उस क्षेत्र में रहे हैं तो वहां पे पानी पे हमने लगातार जैसे सुबह 5:30 बजे के करीब पानी आता था, सर्दियों के अंदर का टाइम था और हम लगातार घर में देखे वहां पे पानी पहुंच नहीं पाए। जैसे मैं आपको एरिया बता देता हूँ, दुर्गा मोहल्ला के अंदर पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा थी, बाबा बालकनाथ एरिया में पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा थी, चाची मंदिर के एरिया के अंदर पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा थी, ये बिल्कुल ये वाले क्षेत्र बिल्कुल ड्रेनेज हो चुके थे और पानी का बिल्कुल ड्राई थे। संजय पार्क का इलाका जहाँ पे कई सालों से पानी नहीं आ रहा था इस क्षेत्र पे, क्योंकि हम सिर्फ उस टाइम पे बलजीत नगर देख रहे थे तो हमने पूरा मतलब ये पाया कि इस एरिया में पानी का बहुत ज्यादा संकट बना हुआ है। फिर अगर आप दूसरी बलजीत नगर के दूसरे छोर की तरफ आप देखें तो आप डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग मंदिर मार्ग वाल्मीकि जो मंदिर है इस एरिया में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कतें थी जी। वहां पे हमने माननीय हजारीलाल चौहान जी जो उस टाइम के हमारे विधायक होते थे उनके साथ मिलकर के और हम उनके पास एज ए कार्यकर्ता पब्लिक की पूरी जो जेन्युइन रिपोर्ट है हम जाकर के घर घर जाकर के हम एक एक नलका खोल करके देखते थे कि पानी आ तो आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक भी गुमराह कर रही है। हम जा करके देखते थे और जहां जहां पानी का संकट होता था उसकी वीडियो बनाते थे, अधिकारी को देते थे, विधायक जी तक देते थे, मीटिंग रखवाते थे और उस काम को जनता से एप्लीकेशन के माध्यम से वो काम प्रोसेस करवाते थे और बाद में जब उसी जनता से धन्यवाद भी करवाना नहीं भूलते थे कि कहीं ना कहीं धन्यवाद भी बिल्कुल देना जरूरी है। बिल्कुल धन्यवाद, जो काम करो उसका धन्यवाद बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उसी के लिए कर रहा है, आपसे कोई कमाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो मतलब ये कहते हैं कि जो काम करो उसका धन्यवाद भी जिन्होंने किया उनको कर देना चाहिए। तो हम ये काम कार्यकर्ता के तौर पर करते थे और हजारीलाल चौहान जी ने उस टाइम पे हमारे साथ मिलकर के बहुत सारे हमें पावर दी थी
कि हमें अधिकार उन्होंने दिया था कि एक वार्ड अध्यक्ष के तौर पे जब मैं काम कर रहा था तो किसी भी अधिकारी को मैं किसी भी समय बुला लेता था। एसके मंडल जी होते थे उस समय, एक्शन बन गए थे वो जी। तो उनको रात को 3 बजे मैंने पानी के सर्वे कराने के लिए बुलाया था और बहुत अच्छे ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत काम हमारे किए जय थे। तो पूरे क्षेत्र में एक एक घर जा जा करके नोक करना, रात के 2 बजे पानी आ रहा है 2 बजे पहुंचाना, सुबह 5 बजे पानी आ रहा है सुबह 5 बजे पहुंचाना, ये काम हमने किए हैं। ये आप जनता में जाकर के पूछ सकते हैं। बिल्कुल संजय पार्क एरिया में आप जाइए, वहां पे पूरे 15 साल से ड्राई एरिया था, हमने पानी पहुंचा दिया था। बिल्कुल, जनता से एक बार आप बता दीजिएगा कि मैं अपने बलजीत नगर क्षेत्र से ही हूं और बलजीत नगर पटेल नगर के लिए ही काम करना है। देखिए मैं यहीं पे बचपन से लेकर आज जो 46 साल के आदमी पहुंच गए हूं, तो बलजीत नगर और पूरे पटेल नगर विधानसभा हमारा क्षेत्र रहा है, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे स्कूल कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं सब यही इसी क्षेत्र के लोग हैं। और सिर्फ बलजीत नगर के अलावा जब हमें विधानसभा लेवल पे दोबारा जब जिम्मेदारियां मिली और जब हजारी लाल चौहान जी के बाद में विधायक राजकुमार आनंद जी बने, जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ही उन्होंने, तो उनके साथ, लेकिन उनके साथ हमारे कई चीजें बन नहीं पा रही थी। जैसे हम पानी की, हमें लग रहा था कि पानी की दिक्कतें हैं, हम उनको बताते थे लेकिन वो मतलब थोड़ा इग्नोर से करते थे। अभी भी क्षेत्र के अंदर में ना पानी की बहुत समस्या है, जैसा कि आपने देखा ही है, पूरा नेपाली मंदिर, अपना गायत्री कॉलोनी, पंजाबी बस्ती और जितना गुलशन चौक वगैरह का जो एरिया आज भी ड्राई है। बिल्कुल, वहाँ पे आज भी पानी की बिल्कुल टैंकर से आज भी टैंकर व्यवस्था है। और मैंने कई चीज कई बार ये देखा कि बहुत सारे साथी जो मतलब कई जो समाज सेवी अपने आप को शो करते हैं कि हम समाज सेवी हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाते हैं। अगर आपके पास पावर मिलती है तो आप उसका मिसयूज करते हो, ये चीजें बहुत बार होती हैं। टैंकर व्यवस्था में बहुत बार कंप्लेंट आते हैं कि कोई पैसा खा रहा है, कि आपके डायरेक्ट अधिकारी मिले हुए हैं, इस टाइप की जो चीजें है ना। मैं अगर मुझे अगर जनता और पहले सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ये मौका देते हैं कि अगर मुझे वो इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाते हैं जी, और ये जनता अगर मुझे चुनती है तो मैं ये क्षेत्र के अंदर में ये वादा कर रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से और आपके सारे दर्शकों को, और ये वीडियो हर जगह जाएगा, बिल्कुल मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपने साथियों के साथ खुद उस एरिया में पहुंचूंगा जहां जहां समस्याएं हैं, और जो जो समस्या है खुद जनता से डायरेक्ट मिलूंगा। मैं ऑफिस में कम बैठूंगा और जनता के बीच में जाकर के उनके घरों को अपना ऑफिस बना। बहुत अच्छी बात कही है आपने, और देखिए हम भी यही चाहते हैं कि जो जनता की समस्या है उसके ऊपर में, बेसिक के ऊपर में इस समय जो है जनता को पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, या रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, सीवर की समस्या है, इन सभी से मैं ये जानता हूं कि अगर इन्होंने जमीनी स्तर पर अगर उतर करके काम करना चाहे विधायक चाहे कोई भी बने, लेकिन आज अगर ये जमीनी स्तर पर उतर करके अगर काम करेंगे तो हमारे जो बलजीत नगर की समस्या हो चाहे पटेल नगर की समस्या हो उसके ऊपर में जमीनी स्तर पर काम होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप विधायक बन करके आए इस पूरे पटेल नगर विधानसभा के अंदर में, आपके जो कार्य जो होगा आपके, और जनता से भी मैं उम्मीद करना चाहूंगा कि आप लोग जो है इनको जो है बहुत ही यूं कहूं कि एक ऐसा जो वोट का जो एक गिनती होती है, एक आंकड़ा होता है, उस आंकड़े को जो है वो आपको पार कर दिए, जो आज तक विधानसभा के अंदर में नहीं हुआ है, इनको उस तरीके से वोट करके आप इनको प्रत्याशी बनाइए ताकि जमीनी स्तर पर काम हो और हमारे पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र का विकास हो सके, जो आज तक विकास नहीं हुआ है। बाकी हमारे साथ में जुड़े हुए थे भाई साहब, और ये हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं, कुछ स्कूल के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, और खास करके मैं गायत्री कॉलोनी और जो आपका जहाँ पे पानी की समस्या है वहां पे जो दिक्कतें आ रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जब विधायक पद पे आप आ जाएं तो सबसे पहले वहां पे पानी की समस्या और वो टैंकर वाला हिसाब खत्म होना चाहिए। और मेरी जो गायत्री कॉलोनी, बलजीत नगर, प्रेम नगर, नेहरू नगर के जो जहाँ पे भी टैंकर चल रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है कल को अगर जब आते हैं तो अपने जरूर आप इनसे जरूर पूछिएगा अगर कभी कोई दिक्कत आती है, और आप लोग जमीनी स्तर पर आकर के इनसे काम करवा सकते हैं। जी, स्कूल के बारे में आप कुछ? सर मैं देखिए ये तो पानी एक ऐसा मुद्दा है जो पटेल नगर में बहुत ही चर्चित रहा है कई सालों से, पानी आज भी क्योंकि पहाड़ी एरिया है कई जगह पे पानी अभी तक पहुंच नहीं पाया। 11 साल से तो आम आदमी पार्टी के भी विधायक रह चुके लेकिन अभी भी लगातार काम हो रहा है उसके लिए, जिंदल ग्रुप के साथ मिलकर के बहुत बड़ा टैंक बनाया जा रहा है और उसपे बहुत काम चल रहा है, उसमें 1.5 साल और लगेगा, ठीक है वो काम तो चलता रहेगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में माननीय मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री थे, ठीक है जी, जनता ने उनको बहुत ही प्यार और मान सम्मान दिया जी। और मुझे मतलब बड़े गर्व के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी उनकी टीम का एक हिस्सा रहा हूँ, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है उनके नेतृत्व में, ठीक है। मैं
विधानसभा कोऑर्डिनेटर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर पटेल नगर के अंदर, तो हमारे एक दोस्त होते थे साबिर भाई जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसएमसी के अंदर थे, आज वो मतलब इस दुनिया में नहीं है, मैं मतलब साधुवाद करता हूँ कि भगवान जहाँ भी हो उनको शांति मिले, बिल्कुल ठीक है। उनके साथ मिलकर के मैंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर उनसे बहुत कुछ सीखा, उनको काफी ज्ञान था शिक्षा के क्षेत्र में, वो शिक्षा के अलावा ज्यादा काम नहीं करते थे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में ज्यादा काम करते, उनके साथ मिलकर करके हमारे और भी कई करवट साथी थे जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में काम करते, जैसे गुलाब जी है अभी भी काम कर रहे एसएमसी के उसमें रहे, तो उसमें मैं 2 नंबर स्कूल के अंदर स्पेशली बता देता हूँ आपको, 2 नंबर स्कूल से मैं पढ़ा हुआ था, एक्चुअली वो 3 नंबर स्कूल होता था, 2 नंबर सुबह होता था और इवनिंग में वो 3 नंबर होता था, बिल्डिंग सेम है, उसी स्कूल से मैं पढ़ा हुआ होता, ठीक है। उस स्कूल के अंदर मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया प्राइवेट स्कूल से निकाल करके, मैंने मनीष जी के जब स्कूलों का सुधार देखा तो मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के 4th क्लास के अंदर 2 नंबर स्कूल में एडमिशन दिलवाया, एडमिशन करा दिया, और इसी के साथ में मैंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो एसएमसी का चुनाव होता है वो वहां से चुनाव लड़ा और चुनाव में मैं जीता और मुझे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर सदस्य बनाया गया, जिसमें मैं बाद में वाइस चेयरपर्सन रहा, वाइस चेयरपर्सन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जितना फंड आता है उसको देखते हैं, ठीक है। और हमने स्कूल के जितने मुद्दे पूरे पटेल नगर में 9 स्कूल आते हैं दिल्ली सरकार के अंडर में, एक एक स्कूल का मुद्दा उठाया और माननीय मनीष सिसोदिया तक पहुंचाया, उसका रिजल्ट ये है कि आप ये देखें 2 नंबर के अंदर देखें, पहले हमने करीबन 1 करोड़ का फंड से पूरा डेकोरेट करवाया जो पुरानी बिल्डिंग थी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में जो प्राइमरी सेक्शन था जिसमें चद्दर के अंदर बच्चे पढ़ते थे, तपती थी वो चद्दर और जब बारिश आती थी उसमें पानी गिरता था, पंखे खराब हो जाते थे, बिल्कुल 22 ब्लॉक वाले के अंदर में, जो 22 ब्लॉक तो एमसीडी का स्कूल है, एमसीडी वाला मैं 2 नंबर बता रहा हूं, 2 नंबर स्कूल के अंदर, हां उसके अंदर दिल्ली सरकार के अंदर प्राइमरी सेक्शन बना हुआ है सर्वोदय बाल, बिल्कुल बहुत बुरा हाल होता था, तो एक एक चीज उसकी वीडियोग्राफी करके उसके एक एक चीज को दिखा के माननीय मनीष सिसोदिया को हमने पहुंचाई, और जब उनको दिखाई, जब उनको पोजीशन दिखाई गई तो उन्होंने डायरेक्ट उसी टाइम पे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को बोला कि जाइए आप विजिट करके आइए, और अगले ही दिन से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सारे उसका दौरा करके गए, उसकी पैमाइशा करके गए, और आज आप देख रहे हैं कि वहां पे 74 कमरों की एक शानदार बिल्डिंग 3 मंजिल की बना दी है, बिल्कुल वो सारा काम मेरे उसके अंदर हुआ, मैंने खुद दिया, और माननीय मनीष सिसोदिया जी ने ये मुझे मौका दिया कि जब वो बिल्डिंग बन करके तैयार हुई तो किसी बड़े नेता से उसका उद्घाटन नहीं करवाया, मुझे वो गौरव हासिल हुआ कि जिस स्कूल का नाम है उसका रिबन मैंने काटा, ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। अच्छा सर, अगर स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूलों के अंदर में आजकल आपने देखा होगा कि लगातार जो है अपने 1 नंबर और 2 नंबर के अंदर में सुरक्षा व्यवस्थाओं के ऊपर में कई बार सवाल उठे और हमने भी इस चीज को कवर किया है, और हम क्षेत्र के हैं तो इसलिए क्षेत्र के जो छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जो भी जनप्रतिनिधि उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर में सबसे बड़ी एक समस्या आती है जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं, और स्कूलों के अंदर में उनके बैगों के अंदर मैंने चाकू छुरी ब्लेड ऐसी जो वस्तुएं हैं ये ज्यादा मिलती है, तो इसके ऊपर में सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में इस तरफ सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। देखिए ये जो मुद्दे मैं ये बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैंने खुद स्कूल के अंदर हमने बैग चेक किए जब कई कंप्लेंट आती थी और उसमें चाकू निकले हैं, हमने लगातार पुलिस में कंप्लेंट की और लगातार 4 स्कूल में हमारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 28 ब्लॉक एरिया में 4 स्कूल है जिसमें 2 गर्ल्स के हैं 2 बॉयज के हैं, 4 स्कूलों के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे विधानसभा कोऑर्डिनेटर भी हम होते थे, 1 स्कूल के अंदर वाइस चेयरपर्सन थे, बाकी स्कूल में विधानसभा कोऑर्डिनेटर भी थे और कोऑर्डिनेटर बाद में कोऑर्डिनेटर भी काम किया, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें रही हैं। और उस टाइम पे जब हमारे जो विधायक थे राजकुमार आनंद जी हमारी पार्टी से, उनको मैंने कई बार ये शिकायतें करी, मैं कि विधायक जी की इस बात को आप उठाइए विधानसभा में उठाइए, और क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारे अधीन आता नहीं है, बिल्कुल, और इसमें हमारे टीचरों को भी खतरा रहता है, छोटे कुछ भी बात हो सकती है, छोटे छोटे बच्चे धमकियां देते हैं टीचरों को, एक मेरे बिल्कुल मेरे इंसिडेंट सामने हुआ था कि अलमारी उन्होंने टीचर के ऊपर फेंक दी थी, उस बच्चे पे हमने एक्शन करवाया था, उसकी पूरी फैमिली को बुलाया था, ये बिल्कुल सामने थी, मैंने उनको बोला कि आप जो एंट्रेंस के अंदर मशीनें जो लगती है डिटेक्टर कि आप उसके अंदर बैग जब बच्चे जा रहे हैं 2-3 हजार बच्चा होता है तो उसके अंदर जब जा रहे हैं तो चेकिंग करके जाए, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब हमें तो उम्मीद है अब आपसे कि आप जो है इस तरीके का कार्य जो है वो आप गवर्नमेंट के जो अपने पटेल नगर में है उनमें तो कम से कम आप करवाएंगे जरूर। बिल्कुल सर, पटेल नगर क्षेत्र की जो भी आवाज होगी चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो चाहे क्राइम को लेकर के हो
वो आवाज विधानसभा में गूंजेगी। पटेल नगर के अंदर अगर आप मुझे मौका मिला तो पटेल नगर के हर मुद्दे को मैं विधानसभा लेवल पे जरूर उठाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर के अगर बात करे जाए तो पुलिस व्यवस्था जो है लड़कियों का स्कूल भी है चारों तरफ जो है, लेकिन वहां पे कोई भीड़ नहीं होती छुट्टी के टाइम पे भी और सुबह मॉर्निंग के टाइम पे भी आने और जाने के टाइम पे, तो इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपके द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही कार्यकाल जो है आपका जब भी आए तो आप इन सब चीजों के ऊपर में कार्य करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या कहेंगे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।